नमस्कार, जयवंत दास्तान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नावा सिटी से है, जहां उपखंड मुख्यालय पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नावा में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए तथा आदर्श आचार संहिता का पालन करने का संदेश लेकर प्रशासन, पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने शहर की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस वरिष्ठाधिकारी विकास चौधरी ने बताया कि आगामी विधानसभा चुनावों और आचार संहिता को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्याम मीणा के नेतृत्व में शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस और सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। पुलिस व प्रशासन ने फ्लैग मार्च निकालकर शहरवासियों के साथ साथ व्यापारियों को भी आदर्श आचार संहिता का पालन करने का संदेश दिया। इसके साथ ही आमजन से भयमुक्त होकर मतदान करने की अपील की गई। फ्लैग मार्च शहर के न्यायालय परिसर से रवाना होकर पुराने बस स्टैंड, मुख्य बाजार, पिपली बाजार, गोरा चौक, बालिका विद्यालय चौराहे से तहसील कार्यालय के सामने से पुराने बस स्टैंड पहुंचा, जहां फ्लैग मार्च का समापन किया गया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी विश्वामित्र मीणा, तहसीलदार सतीश कुमार राव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्याम मीणा, थाना अधिकारी जोगेंद्र राठौड़ सहित पुलिस व सीमा सुरक्षा बल के जवान मौजूद रहे। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की विशेष रिपोर्ट।